तक पानी पानी हो गया, तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। कल से ही टैक्सी जाम, टैक्सी जाम। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कढ़ी की रेसिपी। तो अभी मैं कढ़ी का बैटर ही तैयार कर रही हूँ और दोपहर के बज रहे हैं एक, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट करते हैं। व्लॉग छोटा ही है लेकिन छोटा ही सही, डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। जो प्रॉब्लम थी ना तो वो शॉर्ट आउट हो गया है, तो अब मुझे वीडियो वगैरह अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहूँ तो दिन में 10 वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन 10 वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकती क्योंकि मुझे मेरा स्टडी भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ों को तल लिया है, फर्स्ट तो टेढ़े मेढ़े से तो हुए, लेकिन दूसरी बार जब मैंने पकौड़े डाले तो वो बिल्कुल गोल गोल अच्छे वाले पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं किस तरह से कढ़ी में तड़का लगाती हूँ वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में डाला है राई, और इस छोटे वाले प्लेट में था मेथी दाना, जीरा, साबुत लाल मिर्च, 3 तेज़पत्ता। मैं तेज़पत्ते को धोकर डालती हूँ क्योंकि इसमें ना हल्का सा डस्ट लगा हुआ रहता है, उस करके तेज़पत्ते को मैं धो देती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया कटा हुआ प्याज। प्याज अपनी मर्जी है, कई लोग प्याज नहीं डालते हैं, सिर्फ यही वाले जो ड्राई मसाले होते हैं ना उसी में तड़का लगाते हैं, लेकिन मैंने प्याज भी डाला क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल प्याज खा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं प्याज छोड़ दूँगी। तो प्याज ऐड किया है, प्याज अच्छे से लाल हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया टमाटर। टमाटर भी ऑप्शनल है, एक था तो सोची कि चलो डाल ही देते हैं टमाटर। उसके बाद जो भी सूखे वाले मसाले थे, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला डाला है, और गरम मसाला है, लाल मिर्च जिसमें रंग आता है ना, देगी लाल मिर्च है। तो ये सभी मसालों को डालने के बाद मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है पानी डालकर। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो इधर मैं जो है दही का घोल तैयार कर लूँगी। जिस प्लेट में, मतलब कि जिस कटोरे में मैंने बैटर तैयार किया था ना, उसी में मैंने दही डाल दिया है, और एक चम्मच डाल दूंगी बेसन, और इसको अच्छे से फेंट लूंगी। फेंटने के बाद इसमें डाल दूंगी 2-3 गिलास पानी लगेगा, लेकिन इस कटोरे में मैं सिर्फ एक ही गिलास पानी डालूंगी, मतलब पूरा भर दूंगी। बाकी पानी में कढ़ाई में जब इसको डाल दूंगी ना, उसके बाद ऐड करूंगी। और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, नहीं तो ये फट जाती है। वैसे मुझसे कभी फटी नहीं है, लोग कहते हैं फट जाती है, एक बार ट्राई करूँगी। छोड़ दूँगी पानी डालकर ऐसे ही बिना हिलाए, देखती फटती है। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, कल से ही बादल किया हुआ था, लेकिन देखो कितनी तेज़ बारिश है। सुन 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 बरसात की धुन सुन। बेटा बताओ, दो बार किचन में आया, इसका एग्जाम ये वाला कुछ, ये वाला भी याद कर क्या लिखा हुआ है? हाँ बेटा, इसमें पता है क्या, ये ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा ये सब क्वालिटी जो है ना किसमें है, ठीक है, परी बॉडी किसका है, या फिर ये सब दे देगा। ये फ्रॉग दिखा रहा है, अभी बारिश का टाइम है ना, फ्रॉग निकलेगा और रॉसी पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगी रॉसी के साथ साथ उसका बेटा बर्फी भी। तो ना मैं इंतजार कर रही थी कि फटाफट मेरी कढ़ी में बॉईल हो और मैं आपको दिखाऊं कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। तो कढ़ी में बॉईल आ गया है और अब इसको मैं छोड़ दे सकती हूँ, अभी ये 10 मिनट तक बॉईल होगा उसके बाद में। तो इसमें कितनी अच्छे से बॉईल आ गया है, और अब मैं इसमें सारे पकौड़े डाल दूंगी। सोची थी ना थोड़े से रख दूंगी, बट कढ़ी जो है क्वांटिटी देखकर इसकी, मुझे लगा कि मैं सभी इसमें
डाल देती हूँ। जो बचेगा वो रात को यूज़ हो जाएगा, मुझे रात को सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। पापा के लिए भिंडी की सब्ज़ी है और ये सब मतलब अभी लंच के टाइम में खाने के बाद भी घड़ी बच जाएगी, तो रात को सब्ज़ी बनाने की मेरी छुट्टी, मुझे सिर्फ रोटी बनाना पड़ेगा। सो 8 बजे से पहले मैं रोटी बना कर रख दूँगी, इसके बाद जो है तेजस और बिट्टू जो है खुद से निकाल कर खा लेंगे। हस्बैंड निकाल कर खा लेते हैं, बोलते तुम अपना काम करो, हम लोग निकाल के खा लेंगे, तो इतना कॉपरेट वो करते हैं। इधर चावल भी बनकर तैयार हो गया है और पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी पानी हो गया है, मेरा काम बट गया है। वैसे ही मेरे पास एक काम रखा हुआ है जो कि मैं टाइम देख के सोची जब मेरा किचन में जाऊँगी उसके बाद समेटूँगी, और वो काम है इन कपड़ों का। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? मैं विनोद नहीं हूँ। कौन हो? यशवीर हूँ। यशवीर हो, दूसरा वाला ट्राईपॉड लेकर आओ, ये छोटा पड़ जा रहा है। घर को ही फील्ड बना रखा है, इसी बैंड इसका सर को। ये सीमो बहुत हल्का, कुछ नहीं हिलाई, बहुत हल्का मन बसी। तो एक बात बताना चाहती हूँ कि पति देव ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब मैं टेंशन फ्री होकर अपना काम कर सकती हूँ। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास 2-3 GB ही मिलता था डाटा, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी। करती थी तो 2-3 दिन पर अपलोड होता रहता था, तब जाकर आपको मिलता था, और भी मुझे यूट्यूब वगैरह या फिर ऑनलाइन कुछ करना पड़ता था तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन हस्बैंड ने संडे को ही वाईफाई लगवा दिया है, जिसकी वजह से अब मैं टोटली डाटा को लेकर फ्री हो गई हूँ। अब मैं वीडियो भी डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी, मेरे किड्स चैनल पर भी, इस पे भी, और बाकी जो मैं कर रही हूँ वो मैं करूँगी टेंशन फ्री होकर। नहीं तो एक क्लास की नहीं कि पूरा 1-2 GB ख़त्म हो जाता था, तो बड़ी ना अंदर से टेंशन होती थी कि मैं कैसे करूँगी, सारे काम ये करूँ कि वो करूँ कि उलझन में उलझ जाती थी। लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ, इस करके वीडियो आपको डेली मिल रहा है। और अगर लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग व्लॉग नहीं भी मिला ना, तो शॉर्ट तो ज़रूर 2-3 आपको डेली मिल जाया करेगा, क्योंकि लॉन्ग को थोड़ा एडिट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के देख लो एडिट करती हूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताना, और मिलती हूँ कल के व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कढ़ी का कलर देख लो कितना अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी मतलब लग रही थी, बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। तो कढ़ी में 3-4 तरह से बनाती हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।